गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः मानव कौल की जो बुक थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड बुक आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, भारत का भूगोल, जिसमें मुख्यतः आज अपन भारत के भूगोल का पहला डिवीजन है भारत में जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। फर्स्ट बुक जो आपकी कंप्लीट हुई मानव भूगोल, मैं आपको बता दूं आपके 12वीं क्लास के सिलेबस में दो बुक हैं, एक बुक अपनी कंप्लीट हो चुकी है, यानी 28 नंबर का टॉपिक जो है, 56 नंबर का आपका पेपर आता है फाइनल का, 28 नंबर का जो टॉपिक है वो आपकी कंप्लीट हो चुके। अब 28 नंबर की बुक और है जिसमें अपन सेकंड बुक जो भारत का भूगोल है उसमें पहला जैसे देखते हैं भारत जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि के बारे में। पहले अपन सामान्य परिचय देखते हैं, सामान्य परिचय। देखिए भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,00,000, जो कि संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है उस संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। संपूर्ण विश्व का भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,00,000, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, लगभग 2.4%। लेकिन इस क्षेत्रफल पर लगभग संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। मुख्यतः आज संपूर्ण विश्व में जनसंख्या के आधार पर यदि विवेचन किया जाए तो चीन के बाद में द्वितीय स्थान अपने भारत का है जनसंख्या के आधार पर। जातव्य है, आपको पता भी है कि वर्ष 2001 में अपने भारत की जनसंख्या लगभग 102.8 करोड़ के आसपास थी और वर्ष 2011 में 121 करोड़ के आसपास हो गई। कुल मिलाकर ये जो जनसंख्या की स्थिति है ये भारत को जनसंख्या के आधार पर एक विशालतम देश बनाती है। मुख्यतः अपन पहले टॉपिक समझे उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। लेसन है आपका जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। देखिए जनसंख्या का मतलब होता है लोगों का समूह। किसी भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाली लोगों का जो समूह है वह लोगों का समूह जनसंख्या होता है। आते बिंदु पर सबसे पहले बिंदु देखते हैं अपन जनसंख्या वितरण के बारे में। देखिए सबसे पहले वितरण की जहां बात आती है, आपने मानव भूगोल पढ़ा है उसमें भी जनसंख्या वितरण के बारे में हमने पढ़ा है, तो जनसंख्या का वितरण संपूर्ण भारत में नहीं अभी तो संपूर्ण विश्व में कैसा है, विषमता युक्त, यानी जनसंख्या का वितरण कैसा पाया जाता है, एक असमान वितरण पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार,
पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पांच राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हो गए? पांच राज्य हो गए। जहां संपूर्ण भारत की 30% जो क्षेत्रफल है, यानी इन पांच राज्यों में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 30%। लेकिन इन पांच राज्यों में भारत की जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी करती है? 50%। और भी अपने भारत में 24 राज्य हैं, यानी इन पांच राज्यों में जनसंख्या निवास करती है 50%, और बाकी जो 24 राज्य बचे उनमें भी जनसंख्या निवास करते हैं कितनी? 50%। यानी इन राज्यों में ऐसी कोई न कोई बात जरूर है जो जनसंख्या को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। ये जनसंख्या में, जनसंख्या के वितरण में पाई जाने वाली असमानता की स्थिति है। मुख्यतः भारत के हिमालयी क्षेत्र पर देखें, अपने भारत के आंतरिक मध्य क्षेत्र देखें, वहां पर आबादी में बिखरी हुई आबादी देखने को मिलती है, यानी वहां पर जनसंख्या का एक विरल जमाव मिलता है। लेकिन अपने भारत के जो कांप मृदा के क्षेत्र है, कांप मिट्टी के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कांप मृदा का विस्तार है, कांप मृदा पाई जाती है। भारत के जो डेल्टाई भाग है, इन भागों में जनसंख्या पाई जाती है कैसी? सघनतम। बताओ ऐसा मान वितरण हुआ या नहीं हुआ? हिमालय क्षेत्र, भारत के आंतरिक मध्य क्षेत्र अपने भारत के हिस्से हैं, लेकिन जनसंख्या का दबाव के साथ विरल, कम जनसंख्या पाई जाती है। जबकि कामवर्दा के क्षेत्र और डेल्टाई जो प्रदेश है, वहां पर जनसंख्या का दबाव पाया जाता है कैसा? सघनतम। ये पांच राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये अपने भारत के सर्वाधिक पांच राज्य ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। यदि प्रश्न आता है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, तो ये क्रम है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में। ये पांच राज्य भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम जो अपने भारत के न्यूनतम राज्यों की अपन बात करें, न्यूनतम राज्य से अभिप्राय जहां पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, तो सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये अपने भारत के कैसे राज्य हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल का विस्तार होने के बाद भी जनसंख्या का जमाव है वो यहां पर कैसा पाया जाता है? निम्न। भाई मैंने बताया कि भारत में नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है? विषमता युक्त है। ऐसा मान जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है, और कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है। ऐसा होता क्या है वो आगे देखेंगे, फिलहाल अपन उन बातों का अध्ययन करें जो वास्तव में जनसंख्या के असमान वितरण को परिभाषित करती हैं।
आज अपने भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ये अपने भारत के सघनतम आबादी वाले राज्य हैं। सघनतम जनसंख्या यहां पर निवास करती है। भारत में अधिकतम जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल देखें तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 30% है 5 राज्यों का मिलाकर। लेकिन यहां संपूर्ण भारत की कितनी जनसंख्या, 50% जनसंख्या निवास करती है। बाकी अब 24 राज्य जो बचे उनमें 50% ऋण पात्र है। 50% बताओ ऐसा मान मित्र हुआ या नहीं हुआ। इस तरह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश इन राज्यों की तरफ जनसंख्या का जमाव ज्यादा है, सघन जनसंख्या है। जबकि सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन राज्यों के ऊपर बात करें तो यहां पर जनसंख्या का जमाव कैसा है, भेदा है। कुल मिलाकर ये दोनों बातें एक बात को सिद्ध करती है कि वास्तव में जनसंख्या का जो वितरण है वो जनसंख्या का वितरण कैसा है, विषमतायुक्त है, असमान है। अब प्रश्न यहां पर यह आता है हमारे सामने, क्यों इन राज्यों में अधिकतम जनसंख्या क्यों है, इन राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या क्यों है, इसके लिए पर देखते हैं। जनसंख्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। देखिए इनमें सबसे पहले आता है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों के अंतर्गत जैसे जलवायु है, किसी भी प्रदेश का धरातल है, जलापूर्ति है, इसके अतिरिक्त भूमि की बनावट है, मृदा का विस्तार है, ऐसे ही भौगोलिक कारक के बाद में आर्थिक कारक के ऊपर बात करें। आर्थिक कारक सामान्य सी बातें हैं जैसे खनिज संसाधन है, रोजगार है, इनके बारे में देखेंगे। पहले पर देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक कारकों की, जिसमें पहला बिंदु आता है जलवायु। बिंदु समझने से पहले जलवायु क्या होती है, जलवायु का मतलब होता है मौसम की दीर्घकालीन दशा। लंबे समय तक जो मौसम की दशा बनी रहती है उसे मौसम कहते हैं, सॉरी जलवायु कहते हैं। और मौसम का मतलब होता है वातावरण की अल्पकालीन दशा, कम समय तक बनी रहने वाली दशा वो मौसम है। और लंबे समय तक रहने वाला जो मौसम वो क्या है, जलवायु। देखिए आते हैं बिंदु पर कि जलवायु जनसंख्या के वितरण को कैसे प्रभावित करती है। देखिए मुख्यतः मानव बसाव को नियंत्रित करने के लिए जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। एक सीधी सी बात, देखो बिल्कुल सिंपल भाई, किसी प्रदेश की जलवायु कैसी है, अति शीत है, -0°C तापमान है, 0°। किसी प्रदेश की जलवायु अति उष्ण है, 50°C तापमान से अधिक रहता है, अति शीत है, अति उष्ण है। किसी प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र है, ध्यान दीजिएगा। तो मुख्यतः ऐसी जलवायु भाई मानव कहां निवास करना चाहेगा, अपने अनुकूलतम क्षेत्र में, जहां मानव को अपने निवसन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो मानव वहां निवास करना चाहेगा। अतिशीत -0°C तापमान है,
कहाँ रहता है विश्व में? माइनस जीरो या जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कहाँ रहता है? ग्रीनलैंड, बेफिन द्वीप, हर्सन की खाड़ी, टुंड्रा प्रदेश। अब उस तापमान, उस जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत अति उष्ण, बहुत अधिक गर्मी, जैकोबाबाद, अति आर्द्र, ऐसे जो क्षेत्र हैं वो मानव के निवास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र हैं। मानव उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहता। मानव कहां रहेगा? जहां पर मानव के लिए अनुकूलतम जलवायु विद्यमान हो। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव के लिए अनुकूलतम जलवायु कौन सी है? समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण जो जलवायु है वो मानव के लिए एक महत्वपूर्ण जलवायु है। इस जलवायु के अंतर्गत मानव निवास करता है। अपने भारत के अंतर्गत या एशिया महाद्वीप की बात करें, एशिया महाद्वीप में कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है, और मानसूनी जलवायु मानव के अनुकूलतम होती है। इसलिए विश्व में, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का अधिकतम भाग, लगभग संपूर्ण विश्व की 66% से अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, ने बाकी 6 महाद्वीप और भी। मतलब जलवायु संबंधी कारक सीधा जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। तो पहला कारक तो गया जलवायु संबंधी कारक। ऐसे दूसरा कारक बिल्कुल सामान्य अगर बता रहा हूं, वैसे आपको जानकारी भी बता दूं, यदि जनसंख्या को, जनसंख्या के वितरण को, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक पूछे तो मानव भूगोल में भी आपको बताया हुआ है विस्तार से, इसलिए यहां पर शॉर्टकट बता रहा हूं, यहां भी आपको बता रहा हूं। प्रश्न का आंसर एक ही है, चाहे वो उसे मानव भूगोल में पहली वाले जो बुक आपकी कंप्लीट हो गई उसमें पूछो, चाहे इसमें पूछो, आंसर एक ही है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक वो ही भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कारक जो आपको पहले बताए हुए। यहां पर केवल इसलिए बता रहा हूं, कहीं आप ये ना सोचे भाई पहले भारत के भूगोल में सेकंड बुक में भी ये दे रखा था, सर ने बताया नहीं, केवल इसलिए, बाकी बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव भूगोल में ये टॉपिक आपका दो बार हो चुका है। एक सामान्य वे में आप देख लो इसे, तो जलवायु संबंधी कारक है वो प्रभावित करता है। दूसरा बिंदु आता है धरातल। देखिए जटिल भूम्याकृति, जटिल भूम्याकृति वाले क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का जो विकास है वो नहीं होता। मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं जनसंख्या का विरल जमाव जटिल भूम्याकृति वाले क्षेत्रों के अंतर्गत होता है, क्योंकि भाई धरातल पथरीला है, पठारी है, उबड़ खाबड़ है, ऐसे प्रतिकूलतम धरातल में न तो मानव के लिए कृषि क्षेत्र होता, कृषि भूमि का अभाव होता है, परिवहन की समस्या होती है, कृषि कार्य करने में दिक्कत आती है, ये सारी बातें मानव को उस विषम धरातल से दूर रखती है। मानव को चाहिए कैसा? समतल मैदानी भाग। आज विश्व के उबड़ खाबड़ पर्वतीय, पठारी इन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या के जमाव का विरल होने का प्रधान कारण यह है कि वो क्षेत्र परिवहन और कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है, इसलिए वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, विरल पाई जाती है। आज विश्व के समतल जो धरातल है, मैदानी जो भाग है, उन मैदानी भागों के अंतर्गत अधिकतम जनसंख्या पाई जाती है। अधिकतम जनसंख्या पाए जाने का प्रधान कारण समतल धरातल का होना, कृषि परिस्थितियां, परिवहन की परिस्थितियां, एक शब्द में कहें विकास की संभावनाएं समतल मैदानी भागों के अंतर्गत अधिक होती हैं, इसलिए जनसंख्या का दबाव वहां पर कैसा पाया जाता है? अधिकतम पाया जाता है। एक बिंदु आता है जलापूर्ति संबंधी कारक। देखिए मानव की प्रारंभिक आवश्यकताओं की बात करें या प्राथमिक आवश्यकता की अपन बात करें
तो जल मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण कारक है। जल के अभाव में मानव जीवन संभव नहीं है। मुख्यतः जल आपूर्ति या तो नदी जल के द्वारा या भूमि जल के द्वारा, वर्षा जल के द्वारा, नहरी तंत्र के द्वारा या किसी भी जलीय उपक्रम के द्वारा मानवीय जल आपूर्ति होती है। अतः जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जलाभाव की स्थिति है, भाई आज विश्व के अंतर्गत या अपने भारत की बात करें, पर मरुस्थलीय भाग है, अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान का पश्चिमी भाग है, जैसलमेर विशालतम जिला है, जनसंख्या बहुत कम, प्रधान कारण मरुस्थलीय भाग होना, जलाभाव की स्थिति होना, जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में मानवीय सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, जलाभाव वाले क्षेत्रों के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है। तो मुख्यतः ये नॉर्मल ऐसे कारक है जैसे प्राकृतिक वनस्पति संबंधी कारक है, जहां पर प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता होती है वहां भी जनसंख्या का जमाव नहीं होता, और जहां पर प्राकृतिक वनस्पति का अभाव पाया जाता है वहां भी जनसंख्या का जमाव सघनतम नहीं होता। सामान्य वनस्पति वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। तो मुख्यतः ये जो कारक हैं, भौगोलिक कारक जिनमें जलवायु, धरातल, जलापूर्ति, ये जो कारक हैं, इन कारकों से जनसंख्या प्रभावित होती है। आगे मुख्यतः भौगोलिक कारकों के बाद में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक आता है, कौन सा? आर्थिक कारक। देखिए आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या का जो वितरण है वो इनसे भी प्रभावित होता है। भाई एक सीधी सी बात है, जैसे आर्थिक कारक में अपन रोजगार की बात करें, खनिज संसाधन की बात करें, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत रोजगार की उपलब्धता होगी, खनिज संसाधन की उपलब्धता होगी, उन क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या का दबाव पाया जाएगा, क्योंकि औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास या मानव के सर्वांगीण अपने विकास की बात करें तो वह आर्थिक संसाधन के अभाव में नहीं होता। वैसे मानव के लिए भौगोलिक कारक सब जगह अनुकूलतम है, जलवायु भी मानव के अनुकूलतम है, धरातल भी समतल है, जल भी वहां पर बहुत है, लेकिन मानव के लिए रोजगार का साधन नहीं है। क्या मानव उस क्षेत्र में निवास कर लेगा? बिल्कुल नहीं। कारण जहां रोजगार नहीं होगा, रोजगार के अभाव में मानवीय विकास संभव नहीं है। तो मुख्यतः मानव का विकास है वो आर्थिक, जो विकास के अपन बात करें वह उन क्षेत्रों में हो सकता है जहां पर खनिज संसाधन विद्यमान हो, शक्ति संसाधन जहां पर विद्यमान हो, जहां पर मानव को कोई ना कोई रोजगार का अवसर मिले, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का सघन जमाव पाया जाता है। रोजगार के अभाव वाले क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का सघन जमाव देखने को नहीं मिलता। इसी प्रकार एक तीसरा कारक और आता है, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारक। पहले भी हो चुकी है सारे बिंदु में से। तो देखिए मुख्यतः राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक, धार्मिक कारक, चाहे अपन इसे माने या न माने, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कारक जनसंख्या के जमाव को प्रभावित करते हैं। जम्मू कश्मीर अपने भारत का कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, विरल जनसंख्या वहां पाई जाती है,
प्रधान कारण है, और भी हो सकता है, लेकिन वहां पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारक वहां की जनसंख्या को ज्यादा प्रभावित करता है। शांति व्यवस्था का नहीं होना, भय बना रहना, हिंदू समाज की अधिकता नहीं होना, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत एक आंतरिक भय की स्थिति, आतंकवादियों का डर, या और भी अपने से कई कारण बता सकते हैं जिस कारण से लोग जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लोगों की बसावट कम है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में शांति व्यवस्था की बात करें तो वहां कम है। धार्मिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, राजनीतिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। ये सारे कारक मुख्यतः जनसंख्या को, जनसंख्या के जमाव को, या अपन ये कहें जनसंख्या की बसावट को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये तीन कारक हो गए, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक। कोई दिक्कत? ये हो गया आज का अपना बिंदु, भारत में जनसंख्या वितरण की स्थिति। ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। आगे ध्यान दीजिए, 12वीं क्लास के बच्चों को मैंने 10 लेसन तक के नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जहां तक मुझे ध्यान में है, क्योंकि मैंने 4 या 5 लेसन तक के लिखवा दिए थे, फिर पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपको नोट्स वगैरह भेजे गए थे। पहले बुक में 2 लेसन के नोट्स आपके बाकी हैं, 11वीं और 12वीं लेसन के, जो इस वीक में आपको मिल जाएंगे। आज से सेकेंड बुक अपनी स्टार्ट हो गई है, यानी 50% सिलेबस अपना लगभग पूरा हो चुका। सेकेंड बुक का पहला लेसन आज से हमने स्टार्ट किया है। उम्मीद करता हूं जो फर्स्ट बुक आपके 12 लेसन कंप्लीट हुए ठीक प्रकार से आपको समझ में आए होंगे। फिर भी जिस लेसन में जब कभी भी आपको कोई समस्या लगे, कोई बात समझ में नहीं आए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, जहां आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप डाउट का जो ऑप्शन है उससे मेरे को सूचित करें, जिससे वो टॉपिक आपको या तो फिर से बताया जा सके या उसके बारे में अपन फिर से चर्चा कर सके। जो वीडियो सेकंड बुक के जो आज से स्टार्ट हुए हैं, ठीक प्रकार से आप उनका अध्ययन करोगे, और इनके जो दो लेसन के, तो पिछली बुक के, और इनके नोट्स भी आपको जल्दी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। लेकिन जितने टॉपिक्स आपके पास हैं, जितने नोट्स आपके पास हैं, वो होमवर्क के रूप में आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, न किए हैं तो वो 10 लेसन तक के जो नोट्स हैं वो तो प्रत्येक बच्चे कंप्लीट हो जाने चाहिए। इस वीक में 11वीं और 12वीं लेसन के नोट्स भेज दूंगा, और सेकंड बुक आज से स्टार्ट हुई है, इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आज का टॉपिक बस इतना ही। धन्यवाद। शेष कर दो।